बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की पोइम है जी दी जैगवार बाय टेड ह्यूज़। टेड ह्यूज़ जो है वो 1930 में पैदा हुआ और उसकी डेथ जो है वो 1998 में हुई। दी जैगवार बिग कैट्स जो होती हैं, ये जो फैमिली होती है बिग कैट्स की, लाइक टाइगर्स, लाइक लिपर्ड्स, तो इसी तरीके से उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो एक बिग कैट है जिसका नाम है जैगवार। अब इस पोइम में टेड ह्यूज़ क्या कह रहा है, वो कहता है कि लोग जो हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं ज़ू को, और वहाँ पर मुख्तलिफ केजेस हैं और मुख्तलिफ केजेस में मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े जानवर चिरिंद परिंद मौजूद हैं। हर तरफ जो है वो हर जानवर जो है वो बड़ा सुस्ती, डाइलेट्रीनेस, लथार्जी, सुस्ती में गिरा हुआ है। वाहिद एक ऐसा पिंजरा है जो कि जैगवार का पिंजरा है जिसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं और बड़े शौक से उसको देख रहे हैं। अब वो बड़ा एक्टिव है, वो बड़ा पुरजोश है। वो ये कहता है कि सारे के सारे जानवर, हाँ वो लाइंस हैं, हाँ वो बुआ कंस्ट्रिक्टर्स है जिसको आप सांप कहते हैं, अजदहा कहते हैं, तो ये सारे के सारे जानवर और परिंदे लाइक पैरट्स जो हैं वो सारे के सारे बड़े सुस्त हैं, लेकिन एक ही जानवर वो अकेला बड़ा एक्टिव है, बड़ा घूम फिर रहा है अपने पिंजरे के अंदर। अब वो कहता है कि वो पिंजरा हकीकत में आम जानवरों के लिए, परिंदों के लिए तो ज़रूरी, उन जानवरों और परिंदों के लिए तो वो एक कैद खाना है, लेकिन जैगवार के लिए वो जो पिंजरे हैं वो हकीकत में उसको विजन अता करते हैं, उसकी सलाहियतों को जला बख्शते हैं। अब उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है, उसकी आंखों से गज़ब निकल रहा है और वो इधर उधर घूम फिर रहा है और वो दूसरों से टोटली डिफरेंट है। अब ये वाला एटीट्यूड अपनाया है टेड ह्यूज़ ने। अब टेड ह्यूज़ ये सब कुछ क्या कह रहा है, हकीकत में वो हमें बताना चाहता है एक तो साइकी ऑफ जैगवार की जो साइकी है वो दूसरे जानवरों से डिफरेंट है। इसी तरीके से इंसानों की भी कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून जो है वो बेवा होती है, तो बेवा होती है तो उसके घर के हालात जो हैं वो बड़े तंग हो जाते हैं, वो इसी पर ही इक्तफा कर लेती है, कनात कर लेती है कि हमसाए रिश्तेदार उसको कुछ देंगे, सदका खैरात देंगे, तो वो उसी पे जो है वो अपना गुजारा कर लेगी। लेकिन कुछ औरतें जो हैं वो जब बुरे हालात आते हैं तो वो कमर कस लेती हैं और अपनी फैमिली को लेके चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी ड्राइविंग करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने छोटा सा होटल ओपन कर लिया हुआ है, किसी ने सिलाई कढ़ाई का बिज़नेस शुरू कर लिया हुआ है, किसी ने बुटीक का काम शुरू कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक तो वो हमें जनरली जैगवार की डिस्पोजिशन, उसकी फितरत के मुतलक बता रहा है और दूसरा वो मैसेज दे रहा है कि भाई मुश्किल हालात में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से नुमाया होते हैं और वो जो नुमाया होते हैं हकीकत में वही लोग लीडर्स होते हैं, वही ट्रेंड सेटर्स होते हैं, वही लोग हमें उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। देखते हैं इसमें जी क्या है जी जैगवार के अंदर। सबसे पहली लाइन, The apes yawn and adore their fleas in the sun. The parrots shriek as if they were on fire. Are strut like cheap tarts to attract the strollers with the nut. Fatigued with indolence, tiger and lion. The apes, बंदर की किस्म को बोलते हैं जी, लंगूर, बंदर, yawn का लफ्ज़ मतलब होता है जमाई लेना, एंड एडोर, और एडोर का लफ्ज़ी मतलब होता है सजाना, तारीफ करना। देयर फ्लीज़ कहते हैं पिस्सू को, जुएं जैसी होती हैं, वैसा ही इंसेक्ट, इन द सन, आसमान में। अब वहाँ की जो हालत है उस हालत में क्या है कि जो ऐप्स हैं ना, जो लंगूर हैं, जो बंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं, जमाइयाँ ले रहे हैं, सस्ता रहे हैं और फिर एडोर देयर फ्लीज इन द सन, और धूप सेंक रहे हैं आसमान तले,
और सूरज की शुआओं में क्या कर रहे हैं, अपने जो पिस्सू हैं वो मार रहे हैं, उनको एडोर कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उन एडोर देयर फ्लीज इन द सन। द पैरट्स श्रीक, और तोते इस तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे कि वो काएं काएं करते हैं, पैरट जो है वो बोलता है, मटरिंग करता है, एज इफ देवर ऑन फायर, जैसे कि तोते इस तरीके से चिल्ला रहे हैं जैसे कि वो आग पर बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। और स्ट्रट, और फिर चाल चल रहे हैं, स्ट्रट का मतलब होता है चलना, जैसे कुछ औरतें जो हैं, खास करके आगे जो बताने लगा है, लाइक चीप टार्ट्स, टार्ट्स कहते हैं वो औरतें जो के मर्दों को फांस कर, यानी जिस तरीके से अपना जिस्म बेचने वाली औरतें होती हैं उनको टार्ट्स बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशंस, प्रोस्टिट्यूट्स को बोलते हैं, तवाइफों को बोलते हैं। जिस तरीके से चीप किस्म की टार्ट्स होती हैं वैसे ही तोते चल रहे हैं। अब वहाँ से चलने का मतलब क्या है कि नाजुक अंदामी से चलना, बड़े नाजो नाम से चलना कि लोग अट्रैक्ट हों मेरी तरफ, इसी तरीके से तोते भी चल रहे हैं। टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर, स्ट्रॉल का लफ्जी मतलब होता है चलना, वॉक जिसको आप कहते हैं, स्ट्रॉलर चलने वाला, वॉक करने वाला। अब इसका मतलब क्या है कि जो लोग जू में आए हुए हैं और चल रहे हैं विद द नट। अब यहाँ पे ज़रा सिंटेक्स को देखना है, सिंटेक्स जो है वो कहते हैं लफ्ज़ों की तरतीब को। अब लफ्ज़ों की तरतीब पोइट्री में अगर हम ठीक कर दें ना तो एक सादा फिकरा बन जाता है। अगर विद द नट जो है ना, ये इसका ताल्लुक है स्ट्रॉलर के साथ, यानी जो स्ट्रॉलर्स हैं जो बाहर चिड़ियाघर का विजिट करने वाले पैदल चल रहे हैं लोग विद द नट्स, वो हकीकत में नट्स के साथ चल रहे हैं। अब नट जो है वो बादाम को भी बोलते हैं, अखरोट को भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो ज़रा एक जगह पे गए हुए थे दरबार पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे, तो उन्होंने केले लिए हुए थे उनके लिए, पॉपकॉर्नस लिए हुए थे उनके लिए, और वो जो है उनके हाथों से ले लेके जा रहे थे बंदर जो हैं। तो यही सेम वही चीज़ है स्ट्रॉलर विद द नट, जो विजिट करने आ रहे हैं जू को उनके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, तो ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रट कर रहे हैं, नाजुक अदा के साथ चल रहे हैं। फटीग्ड, थके हुए, विद इंडोलेंस, थकावट के साथ, टाइगर एंड लाइन। तो हम तो बहुत बड़ी बला समझते हैं टाइगर को, हम तो बहुत बड़ी बला समझते हैं लाइन को, वो भी सुस्ती के मारे हुए हैं। अब अक्सर व बेशतर क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इतना सोते हैं, इतना रेस्ट करते हैं कि वो उकता जाते हैं रेस्ट कर कर के। सेम एज इट इज़, यहाँ पे टाइगर भी लाइन भी जो है सस्ता 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 के थक चुके हुए हैं। रिपीट करने लगा हूँ जी, द एप्स यॉन एंड एडोर देयर फ्लीज इन द सन। बंदर जो हैं जमाइयाँ ले रहे हैं और अपने पिस्ुओं के साथ खेल रहे हैं इन द सन, सूरज की रोशनी में, धूप में। द पैरट शीक एज इफ देवर ऑन फायर, और तोते इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चहचहा रहे हैं जैसे कि वो फायर, आग पर हैं। और स्ट्रट लाइक चीप टॉर्ट्स टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर्स विद द नट, और इस तरीके से स्ट्रट कर रहे हैं, नाजो नाजुक अंदाम तरीके से चल रहे हैं, नाजो नाम के साथ चल रहे हैं, अदा के साथ चल रहे हैं, जैसे कि चीप किस्म की, घटिया किस्म की औरतें होती हैं जो कि मर्दों को फांसने के लिए बड़ी नाजुक फांसने के लिए बड़ी नाजुक नाजो अंदाम से चलती हैं, नाजो अदा से चलती हैं। टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर विद द नट, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जिनके पास नट्स होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं जिनके पास पैसा होता है, खाते पीते लोग हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरीके से चल रहे हैं। फटीग्ड विद इंडोलेंस टाइगर एंड लाइन, और वहाँ पे टाइगर भी और लाइन भी मौजूद हैं और वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सुस्ती के मारे हुए हैं। अगला स्टैंजा है जी, लाई स्टिल एज द सन, द बुआ कंस्ट्रिक्टर कॉयल इज अ फॉसिल, केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी, आर स्टिंग्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीथिंग स्ट्रॉ, इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल। लाई स्टिल एज द सन, जैसे कि सूरज बिल्कुल साकन नजर आता है वैसे ही साकन नजर आ रहा है द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स,
बोआ जो है वो सांप की किस्म है, कंस्ट्रिक्टर भी सांप की किस्म है, और वो क्या करते हैं कि जी वो बंदे के गिर्द अपनी कुंडली मारकर, क्वाइल क्वाइल कहते हैं कुंडली को, ये जो मच्छर मारने के लिए हम क्वाइल कहते हैं, तो देखें वो कितना राउंड राउंड, वो भी कुंडली होती है पूरी की पूरी। वैसे ही द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स क्वाइल और जो अजदहा है, जो बड़े सांप हैं, वो कुंडली मारकर ऐसे बैठे हैं जैसे कि सूरज पूरे का पूरा साकन नजर आ रहा है। इज अ फॉसिल, अब तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो फॉसिल है। फॉसिल का लफ्जी मतलब तो होता है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो खुदाई कर करके पुरानी अद्वार की चीज़ें निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो अक्सर व बेशतर हम सुनते हैं जी कि डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं। फॉसिल का मतलब है ढांचे मिले हैं, फॉसिल का मतलब है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं। तो अब ये हड्डियाँ बन चुके हैं, मतलब क्या कि नकारा हो चुके हैं। केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी, ऐसे लगता है कि एक केज के बाद दूसरा केज जो है वो भी एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब जाहिर सी बात है, जब उस केज का रिहायशी ही कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा तो लोगों के लिए तो वो एम्प्टी ही लगेगा। और स्टिंक्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीथिंग स्ट्रॉ, या फिर बदबू आ रही है, या तो ऐसे लग रहा है जैसे कि केजेस जो हैं वो खाली हैं, या फिर अगर किसी केजेस के अंदर कोई मौजूद है तो वहाँ से बदबू आ रही है। अब बदबू जो है वो इसी चीज़ की अलामत है, जिस तरह कहते हैं ना कि खड़ा पानी बदबूदार हो जाता है। हमारे ये जो तालाब होते हैं, छप्पर होते हैं, तो इसमें पानी जब खड़ा होता है तो वो बदबूदार हो जाता है। सेम इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर हर चीज़ जो है वो बदबू पैदा करेगी। स्टिंक्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीथिंग स्ट्रॉ, ब्रीथिंग स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ का लफ्ज़ मतलब होता है तिनके। स्ट्रॉ धान की फसल होती है, जो हमारी चावल की फसल होती है उसके जो तिनके होते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं पराली, पराली। तो वो पराली जो है वो हकीकत में स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ। अब अक्सर व बेशतर क्या होता है कि हमारे इलाकों में जानवरों को उनके लिए कुछ बिछाने के लिए हम क्या करते हैं, पराली बिछा देते हैं, पो पराली। तो वो पराली जो है वो हम बिछा देते हैं और उस पर जो है वो जानवर बैठते हैं, खास करके इधर जो है हमारे इधर पपीज़ वगैरह, कैट्स वगैरह के लिए इस तरीके से बेड तैयार किया जाता है। तो उनके लिए भी जो बेड तैयार किए गए हैं, ब्रीथिंग स्ट्रॉ, ऐसे लग रहा है जैसे कि तिनके सांस ले रहे हैं। अब तिनके सांस तो हकीकत में लेते नहीं हैं, सो एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, क्या कि उसके अंदर जो जानवर हैं, हाँ वो लाइंस हैं, हाँ वो टाइगर्स हैं, वो इस तरीके से आराम से उनसे मस्त होके लेटे हुए हैं और वो सिर्फ सांस ले रहे हैं। उनकी सांस लेने का भी हमें पता चल रहा है कि वो जिस घास पोंस पर बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, मूव कर रहा है, और उनकी मूवमेंट से पता चल रहा है यहाँ पे कोई जी रूह मौजूद है। इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि छोटे बच्चों की क्लास होती है नर्सरी की, और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्केचेस बनाए होते हैं, तस्वीरें बनाए होते हैं, और कहीं पे जो है वो टॉर्टस बना हुआ है, कहीं पे स्नेक बना हुआ है। तो कहते हैं ऐसे ही स्टेगनेंट है, ऐसे ही स्टिल है, ऐसे ही मोशनलेस हैं जैसे कि नर्सरी वॉल पर बने हुए सांप, चीता, शेर, तेंदुआ वगैरह वगैरह। इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल, रिपीट करने लगा जी। लाई स्टिल एज ए सन द बोआ कंस्ट्रिक्टर क्वाइल, बोआ कंस्ट्रिक्टर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि साकन सूरज। इज अ फॉसिल, और ये बिल्कुल ढांचा बना हुआ है हड्डियों का। केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी, और एक पिंजरे के बाद दूसरा पिंजरा सारे के सारे खाली महसूस हो रहे हैं। और स्टिंग्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीथिंग स्ट्रॉ, और फिर कुछ केजेस के अंदर से हमें मिल क्या रहा है, स्टिंग्स ऑफ स्लीपर्स, सोने वालों की बदबू मिल रही है, और ऐसे हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जो घास फूस हैं, जो स्ट्रॉज हैं, तिनके हैं, सिर्फ वो सांस ले रहे हैं। इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल, और ऐसे फील होता है जैसे कि हम नर्सरी की क्लास में आ गए हैं और वहाँ पे जो बच्चे हैं उन बच्चों की जो कमरों की दीवारें हैं उसके ऊपर सांप बना हुआ है, शेर बना हुआ है, ऐसे ही महसूस हो रहा है। नेक्स्ट जी, अगला
स्टैंजा है, बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास दीज राइव्स एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स स्टेयर्स मेस्मराइज्ड एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम एट अ जैगवार हैविंग एनरेज्ड थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज. बट हु रन्स लाइक द रेस्ट, कौन रन कर रहा है लाइक द रेस्ट, बकिया, रेस्ट बकिया, बकिया जानवरों से हटके कौन कौन सा जानवर जो है वो दौड़ फिर रहा है. पास्ट दीज अराइव्स, अराइव्स पहुंचने वाले, यानी वहां पर आने वाले जो सयाह हैं, जो विजिटर्स हैं, उनके आने पर तेजी से कौन चल रहा है अपने पिंजरे के अंदर. एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स, और फिर उस क्राउड क्राउड जो है वो उस केज के सामने स्टैंड खड़ा है. स्टेयर्स घूर रहा है, मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड किसी चीज के सहर में खो जाना, किसी चीज को देखकर सहर जदा हो जाना. तो कहते हैं कि इन जानवरों के अलावा कोई ऐसा जानवर है जो कि अपने पिंजरे में दौड़ रहा है और जो विजिटर्स हैं और जो सयाह हैं वो उसके पिंजरे के बाहर खड़े हैं और उसको स्टेयर कर रहे हैं और उसके शहर में खो चुके हैं, मेस्मराइज हो चुके हैं. और कैसे मेस्मराइज हो चुके हैं, सिमली है जी, एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम, जैसा कि एक बच्चा अपने ख्वाब में सहरजदा हो जाता है. यानी ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने ख्वाब में सहरजदा, कुछ डर जाते हैं, कुछ होश हो के फैंटसी लैंड के अंदर चले जाते हैं, तो वो सहरजदा हो जाते हैं. एट अ जैगवार, जैगवार के ऊपर हरी एनरेज्ड, जो कि हरी कर रहा है तेज़ी से, एनरेज्ड गुस्से में है. अब इसका रवैया जो है वो टोटली डिफरेंट है लोगों के, दूसरों की निस्बत जो है, दूसरे जानवरों की निस्बत जो है. यही हकीकत में बताना चाहता है टेड ह्यूज़ कि भाई ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हर काम जो सारे करते हैं आप भी वही करें. आपका काम ये है कि अगर एजुकेशन नहीं दी जा रही और सारी दुनिया जो है वो जहालत की ज़िंदगी गुजार रही है, तो आप आगे बढ़ें, आप इल्म की रोशनी जलाएं. अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं. ये नहीं है कि अगर सब के सब जुल्म सह रहे हैं तो आप भी जुल्म सहें. थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, तो प्रिजन के अंदर, इस कैद के अंदर डार्कनेस और ये जो तारीक जेल है उसकी, आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, ड्रिल्स, ड्रिल्स के एक तो ड्रिल का मतलब होता है मश्क, प्रैक्टिस करना भी ड्रिल होता है, और एक ड्रिल होता है वो मशीन, ड्रिल मशीन जिससे हम ड्रिल करते हैं, सुराख करते हैं. ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, अब इसमें दोनों मीनिंग्स आ सकती है. थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, तो वो इस प्रिजन के अंदर भी देख रहा है जैसा कि उसकी प्रैक्टिस है जब वो जंगल में था. तो जब वो जंगल में था तो तब भी तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अंधेरे में जो देख लेता था, तो वो भी उसकी ड्रिल्स हैं. एक यहाँ पर उसका मतलब है ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, कि अपनी आँखों से जैसे ड्रिल मशीन सुराख करती है वैसे ही उसकी आँखों से गज़ब निकल रहा है, लावा निकल रहा है, जो कि हकीकत में देखने वालों को परेशान, खौफज़दा, हैरतज़दा कर देती है. और ड्रिल्स उसकी आँखों से, अब उसकी आँखों से जो है वो शोले निकल रहे हैं, ड्रिल्स सुराख, उसकी आँखों के जो सुराख हैं उनसे शोले निकल रहे हैं, गज़ब निकल रहा है. अब दोनों इंटरप्रटेशंस जो हैं वो की जा सकती हैं, एक तो जंगल वाली कि जंगल में उसकी जो ड्रिल्स हैं, उसकी प्रैक्टिसेस हैं, वो आज भी अभी भी इस जेल के अंदर, इस केज के अंदर उसको वो यूज़ कर रहा है, या फिर उसकी आँखों के जो सुराख हैं उसमें से भी शोले निकल रहे हैं. बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास्ट दीज अराइव्स एट अ केज, बाकियों को छोड़कर बाकी जो हैं, अब कौन सा जानवर ऐसा है जो कि अपने पिंजरे के अंदर दौड़ रहा है, और जो विजिटर्स हैं आने वाले हैं उसके केज की तरफ, वो लोग, वेयर द क्राउड स्टैंड्स स्टेयर्स मेस्मराइज्ड
मेस्मराइज्ड, वो लोग जो हैं वो घूर रहे हैं उसको, टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, और उसकी खूबसूरती, उसकी फितरत, उसके हाव भाव, उसको देखकर वो लोग मेस्मराइज हो चुके हैं, सहरजदा हो चुके हैं। और किस तरीके से सहरजदा हो चुके हैं? एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम, जैसा कि एक बच्चा ख्वाब देखकर सहरजदा हो जाता है। एट अ जैगुआर हरिंग एनरेज्ड, और तेज़ी से फुर्ती से वो इधर उधर हरकत कर रहा है, और इनरेज्ड बड़ा गुस्से वाला है, गुसीला है। थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज, अपनी आँखों के शोलों से वो ऐसे लगता है जैसे कि सुराख कर रहा है, केज के अंदर भी, लोगों के अंदर भी। थ्रू प्रिजन डार्कनेस, उस जेल की सख्तियों के अंदर भी, उस जेल की तारीकियों के अंदर भी। अब ये चीज़ जो है, देखिएगा, ड्रिल, सुराख करना, इसी तरीके से मशहूर है 27 साल नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के जो सदर थे, 27 साल वो जेल में रहे। अब 27 साल आप ये समझें कि उस बंदे ने जैगुआर की ज़िंदगी गुजारी है। अगर वो दूसरों की तरह हिम्मत हार देता तो फिर साउथ अफ्रीका को जो है आज़ादी तो ना मिलती। अब 27 साल वो तकरीबन 8 फुट के सेल के अंदर रहा है, 8 फुट की कोठरी। 8 फुट की कोठरी जो है वो आप ये समझ लें कि हमारा कमरा जो है ये 12 फुट का है, तो वो सिर्फ 8 फुट के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसान सीधा होके लेट सकता है, बस बस, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं पे ही जो है वो वॉशरूम है उसका, वहीं पे ही है उसके जो नहाना धोना है उसका। अब 27 साल वो बंदा जो उसने जेल काटी है या प्रिजन जो है, अब वो हकीकत में जैगुआर है। उसने अपने पैशन को, अपने रेवोल्यूशन को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को मरने नहीं दिया, उनको जारी रखा, और हकीकी मन में वो जैगुआर था। तो नतीजा क्या निकला? उसकी उस स्पिरिट से, उसकी उस ड्रिल से, उसकी उस गजबनाकी से उसने अपने आप को मेंटेन रखा, और फिर अपनी कौम को जगाया, और कौम को जगाने के बाद हकीकत में आज़ादी दिलाई। ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज नॉट इन बोर्डम द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर बाय द बैंग ऑफ ब्लड इन ब्रेन डेफ द ईयर ही स्पिन्स फ्रॉम द बॉल्स बट देयर इज नो केज टू हिम। On a short fuse, not in boredom, the eye satisfied to be blind in fire. अब इसमें एक टर्म जो है वो उसने थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल यूज़ किया, फ्यूज़। ये हमारे घरों में फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ के लफ्जी मतलब होता है मिक्स करना, मिल जाना। एक फ्यूज़ का मतलब है हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है, और वो कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। अब वो जो फ्यूज़ उड़ गया है वो क्या होता है? वो एक स्ट्रिप, एक पट्टी सी होती है, और उसके ऊपर तारें होती हैं। अब वो तारें जो हैं, अगर जब बिजली ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर वो तारें आपस में मिक्स हो जाती हैं, और फिर आग निकलती है मिक्स होने से। अक्सर बेशतर घर में आपने देखा होगा स्पार्किंग हो रही होगी, घरों में आपने देखा होगा आग लग गई है, बोर्ड के अंदर आग लग गई है, वायरिंग के अंदर आग लग गई है, तो वो हकीकत में वो फ्यूज़ की वजह से होती है। फ्यूज़, एक तो फ्यूज़ वो टेक्निकल डिवाइस है, उसके उड़ जाने से बाकी घर की बिजली बच जाती है। लेकिन एक फ्यूज़ लफ्जी मतलब है मिक्स हो जाना। अब वो मिक्स क्या हो जाना, जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो तारें जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, गर्म होने से वो आपस में मिल जाती हैं, मिलने से जो है वो आग, स्पार्किंग होती है, ठीक है। ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज़, अब फ्यूज़ का मतलब यहाँ पे आग लगना, फ्यूज़ का मतलब यहाँ पे तारों का आपस में मिक्स होना। अब इसके अंदर की जो तारें हैं हकीकत में, जिस तरीके से वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो कहते हैं इसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। तो उस शॉर्ट सर्किट से क्या है, स्पार्किंग। हकीकत में देखें ना, वो तो गजबनाक हो चुका हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं अंदर इसका फ्यूज उड़ गया हुआ है, मर्जिंग हो गई हुई है। ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज नॉट इन बोर्डम,
भाई उकताहट इस बोरियत के अंदर नहीं, द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर, द आई सेटिस्फाइड, आंखें जो हैं वो बड़ी असूदा खातर हैं, बड़ी सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन हैं, टू बी ब्लाइंड इन फायर। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब फ्यूज़ उड़ता है, तो उस सेंस में क्या है, थोड़ी बहुत स्पार्किंग, स्पार्किंग से फायर जनरेट होना, तो उस वो जो उसके अंदर विजन की आग है, उसके अंदर जो रेवोल्यूशन इनकलाब की आग है, आप इस पर राय में देख लें नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला के अंदर जो आग थी वो हकीकत में उस फ्यूज़ की थी, उसके अंदर उन जज्बात की थी जो मिलकर उसको रेस्टलेस किए रखते थे और फिर उसको 27 साल जेल काटने पर मजबूर किया। सेम एज इट इज़ ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज़ नॉट इन बोर्डम द आई सेटिस्फाइड, उसकी आंखें जो लग रही हैं वो सेटिस्फाइड लग रही हैं, टू बी ब्लाइंड इन फायर, लेकिन उसकी आंखों से आग निकल रही है और उस आग से वो अंधा नज़र आ रहा है। अब आप फिज़िकली ज़रा इस लिटरेचर की वर्ड से निकलने के बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आए ना, सामने जैगवार है और उसकी आँखें हैं और उसकी आँखों से यूँ शोले निकल रहे हैं, आग निकल रही है भी जैगवार, जिस तरीके से लेज़र गन से लेज़र निकल रही है ना, इसी तरीके से जैगवार की आँखें जो हैं शोले निकल रहे हैं। तो वो कह रहा है उसकी आँखों से शोले निकल रहे हैं, आंखें उसकी फिर भी पुरसकून है, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अंदर उधर फ्यूज़ उड़ गए यार, और उस फ्यूज़ के नाल में फड़कदा पाया एंड स्पार्किंग करता पाया। आप यही देखें जिस तरीके से बोर्ड जो है वो स्पार्क करता है, स्पार्क करता है, उसकी आंखें भी स्पार्क कर रही हैं। अब ये सारे के सारे सिंबल्स वो क्यों यूज़ कर रहा है, हकीकत में वो लोग जिनका विजन होता है, जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर जज्बात होते हैं, जिनके अंदर इनकलाबात होते हैं, हकीकत में वो ऐसे ही होते हैं। By the bank of blood, bank, bank का लफ्ज़ मतलब होता है धड़ाम से जो दरवाज़ा हम मारते हैं ना वो bank होता है, या किसी ज़ोरदार आवाज़ को बोलते हैं, लेकिन उसका blood भी जो है वो अंदर से सर्कुलेट कर रहा है, bang कर रहा है बड़ी धड़ाम धड़ाम आवाज़ के साथ, in brain, उसके दिमाग के अंदर, in brain, तो कैसे deaf the ear, ऐसे जैसे कि कानों को पहरा कर रहा है, डेफ ईयर, वो जैसे कहते हैं ना जवानी जब होती है, जब इंसान बड़ा पुरजोश होता है, बड़ा पुरजोश होता है, तो कोई सियाना किसी उस बच्चे को समझाने लगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, वेखा समझाना से दासा आ गए ने, ये है वो है, और ख़ास करके हमारे जो गांव हैं वहाँ पे जब वो वैर वटा होता है, अब उस वैर के अंदर जो है किसी ने कुछ कहा है, ओए मनु मोंडा मार के लंघिया शरीकां दा मुड़ा, मैं मार नहीं अम्मा, अब वो आगे से क्या है 10 बंदे समझाने आ गए हैं, लेकिन वो बंदा डेफ ईयर रहता है, नहीं मानता, जवान बंदा नहीं मानता, रेस्टलेस नेचर वाला बंदा नहीं मानता, जो आम जुबान में हम इधर यूज़ करते हैं अथरा, अथरा गुजर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो सेम एज इट इज़ बाई द बैंक ऑफ ब्लड इन ब्रेन डेफ द ईयर, उसका खून इस स्पीड से गर्दिश कर रहा है और उसकी आवाज़ इतनी है कि उस आवाज़ से उसको कानों पड़ी आवाज़ भी समझ नहीं आ रही, वो जो करना चाहता है, वो जो जोश है, हकीकत में वो करके रहता है, और यही हकीकत में ग्रेट लीडर्स जो हैं वो परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, इनके साथ जो है वो अपनी कौमों को फतूहात दिलाते हैं। ही स्पिन्स, वो घूमता है, वो घूमता है, यक लख्त घूम जाना, फ्राम द बार्स, जैसे ही सलाहों के पास आता है वहाँ से, देर इज़ नो केज टू हिम, हकीकत में ऐसे जानवर के लिए कोई पिंजरा मान्य नहीं रखता, ऐसे लोगों के लिए ज़ाहरी तौर पर जितनी भी मुसीबतें हैं वो मैटर नहीं करती और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन ए शॉर्ट फियर्स फ्यूज़, उसके अंदर जो जोश वलवले का फ्यूज़ है उड़ा हुआ, नॉट इन बोर्डम, वो हकीकत में बोर्डम में नहीं है, दी आई सेटिस्फाइड, उसकी आंखें पुरसकून लग रही हैं, टू बी ब्लाइंड इन फायर, लेकिन हकीकत में उसकी आंखों से शोले निकल रहे हैं, जज्बात के शोले, एहसास के शोले, बाई द बैंक ऑफ ब्लड
इन ब्रेन डेफ्ट ईयर, और उसके खून की जो गर्दिश है उसका जोश इतना है कि उसके कानों को उसने बहरा बना दिया है, अब वो कोई बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल वैसे ही नहीं सुनेगा जैसे कि हमारे इधर नौजवान लड़के जो हैं जब किसी लड़ाई में, किसी वैर के अंदर, किसी बात के अंदर इंतहाई जोश में होते हैं और वो अपने बड़े बुजुर्गों की बात फिर नहीं सुनते। ही स्पिन्स फ्रॉम द बॉर्स, और फिर वो सलाहों से घूमता है, घूमता फिरता है, यकलख्त बदलता है अपनी डायरेक्शन को, बट देयर इज नो केज टू हिम। और ऐसे जानवरों के लिए, जैगवार के लिए, ये केज कोई केज नहीं है। अब 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे हैं, तो उनका विजन क्या उस 8 फुट की चार दीवारी के अंदर था? बिल्कुल भी नहीं। उनका विजन जो है अपने पूरे मुल्क पे था। मोर देन टू द विजनरी हिज सेल हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ अ फ्रीडम द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील ओवर द केज फ्लोर द होराइजंस कम। मोर देन टू द विजनरी हिज सेल, उसका जो सेल है, उसकी जो काल कोठरी है, वो विजनरी है, वो उसको विजन देती है, वो उसको तहरीक देती है कि हमने और करना है, बेहतर करना है, अपनी कौम को हमने इस मुश्किल हालात से निकालना है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है ये जैगवार जो है उसके लिए ये काल कोठरी कोई काल कोठरी नहीं है। हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम। अब वाइल्डनेस का लफ्ज़ मतलब तो होता है वीराना, स्ट्राइड का लफ्ज़ मतलब होता है चलना, चाल ऑफ फ्रीडम। अब वाइल्डनेस का लफ्ज़ मतलब होता है जब सहरा है, वीराना है, जंगल है, बियाबान है, तो बियाबान जगह होती है वीरान जगह। वो कहते हैं देखने में तो ये केज है, ये सेल है, काल कोठरी है, लेकिन हकीकत में वो जो चल रहा है ना इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, वो वीराना, वो खुली जगह है। किस चीज़ की? आज़ादी की। अब जो बंदे इस तरह भी होते हैं, इस तरह के अंदर होते हैं, ख़ास करके फिल्मों के अंदर हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, जब ये कुछ ज़रा ज़्यादा जज्बात के साथ सोच रहे होते हैं तो ये अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं, तो अब वो चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके दिमाग के अंदर प्लानिंग्स चल रही होती हैं, प्लानिंग्स के अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। सेम एज इट इज़ हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, ये जो चल रहा है अपने सेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर, ये उसकी आज़ादी की वाइल्डनेस है, खुली जगह है। द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील, हकीकत में ये सारी की सारी दुनिया रोल्स, रोल का लफ्ज़ मतलब होता है लुढ़कना, मतलब क्या, ये जो चल रहा है ये दुनिया को ठुड्डे मार रहा है, रोल कर रहा है, सारी दुनिया उसके पैरों की हाक है। अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील, और उसकी जो एड़ियाँ हैं, उसके थ्रस्ट, थ्रस्ट का लफ्ज़ मतलब होता है धक्का, तो वो जो जोर लगाना, वो जो चल रहा है उसकी एड़ियों के अंदर है ये सारी की सारी दुनिया, वो हकीकत में कुछ भी नहीं है दुनिया उसके आगे। ओवर द केज फ्लोर, और फिर इस पिंजरे के फ्लोर फर्श, द होराइजंस कम, ओ हकीकत में वो उसके लिए उफ्क हैं। अब उफ्क क्या होता है, हम जो आसमान पर देखते हैं जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते नज़र आते हैं वो होराइजन होता है, यहाँ पे मतलब क्या आसमान कम। ओ भाई हकीकत में उसका जो पिंजरे का फर्श है वो आसमान है उसके लिए। रिपीट करने लगा हूँ जी, मोर देन टू द विजनरी हिज सेल, उसकी काल कोठरी उसको विजन अता करती है। हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, ज़ाहरी तौर पर तो वो वीरान जगह है और वो अकेला है, लेकिन हकीकत में वो आज़ादी के मज़े लूट रहा है उस केज के अंदर, जिस तरीके से नेल्सन मंडेला अपनी 8 फुट की काल कोठरी के अंदर अपनी आज़ादी के मज़े लूट रहा था कि मैंने अपनी कौम को आज़ाद करवाना है। द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थर्स्ट ऑफ हिज हील, और सारी की सारी दुनिया उसके पैरों के अंदर है। और इसी वजह से क्या हुआ था, जब नेल्सन मंडेला निकला था, सदर बना था, सारी दुनिया ने उसके कदमों को चूमा था, और जब उसकी डेथ हुई थी तो 93 कंट्रीज़ के, 93 ममालिक के एम्बेसडर्स, किंग्स, क्वींस, बड़े बड़े वज़ीर आज़म वगैरह, वो उसकी तदफीन पे आए थे, बरियल पे आए थे। तो ये ना दुनिया को, दुनिया उसके कदमों में थी। ओवर द केज फ्लोर द होराइजंस कम,
ظاہری طور پر وہ فرش ہے پنجرے کا لیکن حقیقت میں وہ افق ہے اس کی سوچوں کا۔ یہ تھا جی ہماری پوئم دی جیگوار۔